नमस्कार दोस्तों, सास होम्योपैथिक चैनल की हेल्थ की बात सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गले में संक्रमण यानी कि गले में खराश या गले के इन्फेक्शन के बारे में। निम्न संक्रमण होना एक बहुत ही आम समस्या है और आए दिन इसके नए नए केसेस भी मिलते रह रहे हैं। मौसम में होने वाले बदलाव के कारण लोगों में सर्दी, जुकाम और गले में दर्द या गले में संक्रमण होना बहुत ही आम होता है। बदलते मौसम में अच्छे से केयर नहीं करने के कारण कई तरह के रोगों की चपेट में आ जाता है, उनमें से गले का संक्रमण भी एक बहुत ही आम रोग है। गले में संक्रमण होने के दौरान गले में दर्द होना, गले में खराश और गले में कुछ भी निगलने में कठिनाई होना जैसे कुछ लक्षण नज़र आते हैं। इसके साथ साथ गले में सूजन भी गले का संक्रमण का एक लक्षण है। प्रदूषित और गंदे जल या भोजन के सेवन से यह बीमारी हो सकती है। इसके साथ साथ प्रदूषित वातावरण में सांस लेने से वायरस और बैक्टीरिया के कारण भी गले का संक्रमण होता है। गले में इन्फेक्शन का जितनी जल्दी पता लग जाए उतनी जल्दी इसका उपचार किया जा सकता है। चलिए जानते हैं कि गले में संक्रमण होने पर और क्या क्या लक्षण आपको नज़र आते हैं। गले में संक्रमण होने पर गले में दर्द होना, गले में खराश, निगलने में दर्द होना, टॉन्सिल हो जाना, गले में टॉन्सिल के कारण सूजन और दर्द होना, आवाज़ बैठ जाना, आवाज़ में कर्कशता होना, इसके साथ साथ बुखार और खांसी होना, गले का लगातार सूखना, जबड़े और गर्दन में दर्द होना, सर में दर्द होना, मुंह में कुछ टेस्ट ना आ पाना, पानी पीने में भी दर्द होना आदि लक्षण गले के संक्रमण के दौरान दिखाई देते हैं। चलिए जानते हैं कि इसका कारण क्या क्या हो सकते हैं। अगर गले में इन्फेक्शन की बात करी जाए तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि मौसम के बदलाव के कारण गले में इन्फेक्शन हो सकता है, किसी तरह के फ्लू के फैलने के कारण वायरस की वजह से गले में संक्रमण होता है, वायरस सर्दी जुकाम के बाद गले में दर्द होना, वायरल फीवर के बाद गले में दर्द होना, इसके अलावा खांसी के साथ साथ गले में दर्द होने का बहुत मुख्य कारण है। चलिए जान लेते हैं कि इसके लिए आप कौन कौन से उपचार अपना सकते हैं। गले में दर्द या खांसी के लिए मुलेठी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। मुलेठी गले की कई सारी समस्याओं से राहत पहुंचाती है। मुलेठी की छोटी सी गांठ को कुछ देर के लिए मुंह में रखकर चबाएं। इससे गले की खराश दूर होती है और सूजन और दर्द भी कम होता है। इसके साथ साथ मुनक्का भी गले के संक्रमण के लिए बहुत ही यूज़फुल है। मुनक्के का सेवन गले के संक्रमण से राहत दिलाता है। इसके लिए 4 से 5 मुनक्कों को सुबह सुबह खाली पेट चबाकर खाना चाहिए। इसके ऊपर से पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। मुनक्के के सेवन से गले की खराश बहुत जल्दी दूर हो जाती है। अदरक और लौंग बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं गले में दर्द के लिए। अदरक और लौंग में बहुत सारे एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। एक लौंग को मुंह में रखकर चूसने से गले के कई सारे रोगों से छुटकारा मिलता है। इसके साथ साथ पानी में अदरक को उबालकर उसमें शहद मिलाकर दिन में 2 से 3 बार पिएं, इससे आपके गले में दर्द से राहत मिलेगी। तुलसी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है गले में दर्द के लिए। 2 गिलास पानी में 5 से 7 तुलसी की पत्तियाँ, 4 से 5 काली मिर्च बनाकर काढ़ा बना लें। दिन में 2 बार इस काढ़े का सेवन करें, इससे आपको गले में दर्द से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। गले में इन्फेक्शन के लिए कई सारी होम्योपैथिक मेडिसिन भी उपलब्ध हैं। अगर आप चाहते हैं गले में दर्द के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ करना तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर आप ज़रूर क्लिक करें। इसके साथ साथ आप होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क कर अपने गले के प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। गले में इन्फेक्शन या गले की किसी भी प्रॉब्लम के छुटकारा पाने हेतु होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करने के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें अपनी प्रॉब्लम्स को। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।